मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड कम ऑन लेट अस कंटिन्यू अवर चैप्टर। तो चैप्टर 3 हमारा SST का चल रहा था, उसमें अब हम पहुँचे थे पेज नंबर 22 पे। तो टॉपिक वॉज केव्स ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के जो केव्स हैं या गुजरात की गुफाओं के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट इज गिवन केव्स एट जूनागढ़, जूनागढ़ में जो केव्स हैं उनके बारे में दिया गया है। देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव्स इन जूनागढ़, जूनागढ़ में 3 अलग अलग ग्रुप्स के केव्स बताए गए हैं। तो फर्स्ट ग्रुप इज ग्रुप ऑफ भाग्यपरा केव्स, सेकेंड इज दे आर डबल स्टोरेड। अभी उसके पॉइंट्स वाइज हमें बताया गया कि किस तरह से वो केव्स किस तरह से डिवाइडेड है, उनमें क्या क्या चीज़ों की सुविधाएं हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला है ग्रुप ऑफ भाग्यपरा केव्स। दिस केव इज सिचुएटेड नियर भाग्यपरा मठ। अब ये जो केव है वो कहाँ पे स्थापित है, भाग्यपरा मठ में है। देर आर इन द 3 लेयर्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स, इसमें 3 अलग अलग लेयर्स में इसको फॉर्म किया बना है और वो तीनों लेयर्स जो हैं वो राइट एंगल्स को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट यानी काटते हुए 3 अलग अलग दिशाओं की तरफ निकलती हैं। There are total 16 caves, out of them 4 are in the east line. अब उसमें कुल मिलाकर 16 गुफाएं हैं जो कि पहली out of them 4 are in the first line, पहली लाइन में 4 गुफाएं हैं। 7 in the second वाली लाइन में 7 गुफाएं हैं यानी 7 caves हैं। एंड 5 इन द थर्ड लाइन, तीसरी लाइन में 5 गुफाएं हैं। यानी 3 लाइनें होती हैं जो 3 दिशाओं को इंटरसेक्ट करती हैं। तो उसी तरह उन तीनों दिशाओं को मिलाकर कुल 16 गुफाएं हैं। 16 में से 4 पहली लाइन में, 7 दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में 5 गुफाएं। पॉसिबली दे आर कार्व ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी AD। अब संभावना है कि वो पहली या दूसरी सदी में बनाई गई होंगी। दे आर डबल स्टोरेड, अब वो कितनी 2 मंजिले होती हैं। ऑन सीइंग द रिमेन्स से वन कैन दैट दे माइट हैव बीन कार्व्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेकेंड सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ 4th सेंचुरी। अब उन्हें देख कर अनुमान लगाया जा सकता है कि वो दूसरी सदी के खत्म होने पर शुरुआत हुई होगी उसके बनने के, और चौथी जो सदी होगी यानी 4th सेंचुरी के बिगनिंग में यानी शुरुआत में देखे गए। नाउ केव्स ऑफ खपरा एंड केड़िया, खपरा और केड़िया की जो केव्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो केव्स ऑफ कुंड, ऑन सीइंग द रिमेन्स इट कैन बी सेड दैट दे वेर फ्लोड केव्स। अब उनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो गुफाएं जैसी कि फ्लोड हैं, फ्लोड यानी कि जैसे कि फर्शिंग की हुई है उसमें। इट माइट हैव बीन कार्व्ड इन द 3rd सेंचुरी, और वो तीसरी सदी में उसका निर्माण हुआ था। देर आर 20 पिलर्स एंड दे आर ऑल रिंग्स नाउ। अब वो उसमें पूरे 20 खंभे देखे जाते थे, वो 20 खंभे जो हैं वो अब पूरी तरह से रिंग्ड हो गए, रिंग्ड यानी ख़त्म हो चुके हैं या टूट चुके हैं। नेक्स्ट इज खंबालीडा केव। अब खंबालीडा केव कहाँ है, इट इज़ डिस्कवर्ड इन द 1959 AD। दे आर सिचुएटेड एट द खंबालीडा नियर गोंडल। अब ये खंबालीडा जो केव है इसको डिस्कवर कब किया गया था, 1959 में, 1959 में। और ये कहाँ पे देखी गई है, गोंडल खंबालीडा वहाँ पर देखी गई है, जो कि 70 किलोमीटर्स फ्रॉम राजकोट से 70 किलोमीटर्स की दूरी पर है। 3 ऑफ देम आर रिमार्केबल, जिनमें से 3 जो हैं वो ज़्यादा देखने लायक मानी जाती हैं। वो 3 कौन सी, चैत्य ग्रह स्टूपा इज सिचुएटेड इन द मिडिल के, जो चैत्य ग्रह स्टूपा है वो कहाँ पे, केव के मिडिल में पाया जाता है यानी बीचों बीच। फिगर्स ऑफ बौद्धि सत्वास एंड स्टैचूज ऑफ डिवोटीज आर स्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ एंट्रेंस। अब एंट्रेंस के यानी मुख्य द्वार जो है उसके दोनों तरफ ऐसी पिक्चर स्टैचूज बनी हैं जो कि बौद्धि सत्वास की बनी हैं। एंड पाथ सपोर्टेड बाय ट्रीज, और जो रास्ता है उसमें आजू बाजू में सब तरफ पेड़ ही पेड़ दिखते हैं। एंड दे आर ऑफ द 2nd और 3rd सेंचुरी, और उन्हें देखकर पता चलता है कि दूसरी या तीसरी सेंचुरी के निर्माण किए हुए। नाउ 3rd इज तलाजा केव। माउंटेन ऑफ तलाजा इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ शेत्रुंज रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। अब उस माउंटेन ऑफ तलाजा ये कहाँ पर स्थापित है, शेत्रुंज रिवर के माउथ के ऊपर यानी शेत्रुंज नदी के बिल्कुल जहाँ पे शुरुआत होती है भावनगर डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से हुआ है। इट इज़ फेमस एज पिलग्रिम्स ऑफ तलड़ वजगिरी। अब ये जो है एक तीर्थ माना जाता है तलड़ वजगिरी का। 30 केव्स हैव बीन कार्व्ड फ्रॉम स्टोन्स विथ ह्यूज गेट्स, इसमें 30 अलग अलग गुफाओं का निर्माण किया हुआ है जो कि पत्थरों से बनी हुई है, और उनके गेट्स जो हैं बहुत बड़े बड़े गेट्स हैं।
इबाल मंडप, इबाल मंडप को हम कहते हैं सुबखंड एंड चैत्य ग्रह आर द बेस्ट एग्जांपल्स फ्रॉम स्कल्पचर्स एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अब चैत्य ग्रह और ये जो सुबखंड है, इसको दोनों को देखकर लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है स्कल्पचर और प्रोटेक्शन के नज़रिए से अगर हम देखें तो।